आचार्य श्री स्वर्ग सौरभ सागर जी महाराज की। नमो अरिहंतानम नमो श्री सीतानम नमो ऐरियानम नमो वजायानम ओ नमो लोहे सौवे साहूनम नमो अरिहंतानम नमो श्री सीतानम नमो ऐरियानम नमो वजायानम ओ नमो लोहे सौवे साहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिरिसीतानम नमो ऐरियानम नमो वजायानम ओ नमो लोहे सौवे साहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिरिसीतानम नमो ऐरियानम नमो वजायानम नमो लोहे सौवे साहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिरिसीतानम नमो ऐरियानम नमो वजायानम नमो लोहे सौवे साहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिरिसीतानम नमो ऐरियानम नमो वजायानम नमो लोहे सौवे साहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिरिसीतानम नमो ऐरियानम नमो वजायानम नमो लोहे सौवे साहूनम नमो अरिहंतानम नमो सिरिसीतानम नमो ऐरियानम नमो वजायानम ओ नमो लोहे सौवे साहूनम। जय बोलो गुरुवर सौरभ सागर जी महाराज की। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को पयाम दे, वही थोड़ी दूरी है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के वो उसे उसके बेटे का नाम दे, उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को पयाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के वो उसे उसके बेटे का नाम दे, उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा मैं अपने गाँव में पेड़ की छाँव में, कि माँ के आँचल में, कि माँ के आँचल में, वही हर खत में
पर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना हो। तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, कि पूछी जाती है कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। सबको इंतजार है गुरुवर की, तो कह रहा हूं भक्ति द्वारे पे तेरे खड़े हैं गुरु, ओ भक्त द्वारे पे तेरे खड़े हैं गुरु, बस अब तो कमी तेरी रह गई, ओ भक्त द्वारे पे तेरे खड़े हैं गुरु, कब दर्शन दोगे बड़ी आंसू है, भक्त द्वारे पे तेरे खड़े हैं गुरु। हाँ देखिए, अभी 3 दिन तक शिविर चलता रहा और गुरुवर का प्रवचन का लाभ हमें 9:30 बजे के बाद ही मिला। मेरी माता बहने कुछ कम आ पाई, लेकिन वो समय आज आप पूरा लाभ लेंगे, नृत्य नाटिका भी होगी, सब काम ये यहीं पर संपन्न होंगे। तो कह रहा हूँ गुरुवर के चरणों में बस दो लेंगे। ओ गुरु तार दो, हे गुरु तार दो, तारण हरे हो मेरी नैया के तुम ही केवन हरे हो, गुरु तार दो तारण हरे हो मेरी नैया के तुम ही केवन हरे हो, गुरु तार दो तारण हरे हो मेरी नैया के तुम ही केवन हरे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ गुरु आ जाओ, कारण हरे हो तारण हरे हो मेरी नैया के तुम ही केवन हरे हो, गुरु तार दो तारण हरे हो मेरी नैया के तुम ही केवन हरे हो। अरे आ जाओ गुरु आ जाओ, आ जाओ गुरु आ जाओ, क्योंकि तारण तारण हरे हो मेरी नैया के तुम ही केवन हरे हो, गुरु तार दो तारण हरे हो मेरी नैया के तुम ही केवन हरे हो। हाँ क्योंकि गुरुवर देख रहे हैं कि भीड़ कितनी है, तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, जयकारा गुरुदेव का। बस अब कुछ क्षण शेष है, मिनट या 2 मिनट के उस महान मूर्ति के हमें दर्शन होने जा रहे हैं, ऐसी भव्य आत्मा जो हमारे बीच में चातुर्मास करने के लिए यहां पधारी है। वास्तव में सबका कल्याण होगा जो भाव से गुरुवर को नतमस्तक होगा। स्वामी की और श्रद्धा का जल कर मेरे भक्ति का चंदन लाया, हर तत कुसुम चरोवर पावन दीप दो पे बंधन भाया, सिद्ध शिला पद जाए महादेव, पूजा कर सुख पावन महादेव।
जयकारा गुरुदेव का। ज्ञान योगी जीवनासा हॉस्पिटल प्रणासोत परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवर चरण कमल भ्यो नमः अनर्गभत प्राप्त्य जलादि फलादि दिव्य हरि कमंदर वपामीति। एक साथ हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। सिकता से बैठते रहे सिकता सकल लोक सुखाकर मुज्जलम तिमिर जाले हरम प्रकरम सदा किल धरा मंगल कमुदा मंगलम भगवान वीरो। क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं
चले हैं कहाँ पे हम, हमसे पूछे ये बात रे वतन। वंदे मातरम उसकी प्रस्तुति के लिए बुलाएं। लेकिन निवेदन इतना है, जो आपके हाथों में तिरंगा है इसको वह सम्मान के साथ रखना। ये हमारी आन है, वान है, हमारी शान है। क्योंकि कहते भी ने भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसके अंदर तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं। इसलिए निवेदन इसको आप उच्च स्थान पर रखें। आइए कलश जैन, तालियां तालियां बजाते हो बच्चों, उत्साह बढ़ेगा। हाँ सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां कलश, जोरदार तालियां। और एक हाँ एक प्रस्तुति है नाटिका की, बहुत सुंदर प्रस्तुति अनु जी का ग्रुप लेकर के आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता में जैनियों का योगदान कि किस प्रकार से हमें जो हमारे भारत देश को जो स्वतंत्रता मिली है, इसमें जैन व्यक्तियों का किस प्रकार से योगदान है, किस किस महापुरुषों का वही योगदान है, मैं अनु जी लेकर के आई अपनी प्रस्तुति के साथ। पारशनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। हम आदर्श बहु बेटी ग्रुप की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज इस भारतवर्ष को आज़ादी का उत्सव मनाते हुए 78 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो चलिए आज हम सभी उन देश के वीर सेनानियों को नमन करते हैं जिनके शौर्य और बलिदान के स्वरूप ही आज हम सभी इस आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज हम इस छोटी सी नाटिका के माध्यम से उन सभी वीरों को नमन करते हैं जो हमारी किताबों में तो हैं पर हमारी यादों से मिटा दिए गए हैं। यह नाटिका ऐसे ही एक बच्चे अरहम जैन पर आधारित है,
जिसको अपनी हिस्ट्री के बारे में तो ज्ञान था पर अपने जैन धर्म के बारे में ज्ञान नहीं था। तो चलिए स्कूल की ओर, जहां 15 अगस्त के प्रोग्राम की तैयारियां हो रही हैं। सब तालियां बजा के बच्चों का प्लीज मोटिवेशन करिएगा। सभी क्लैपिंग करेंगे बच्चे के लिए। तो आपको हमारे बच्चों का डांस कैसा लगा? तो आओ चलो आज देशभक्ति के बारे में ही बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैठ जाओ। तो कल 15 अगस्त है, सबको पता है। तो मुझे बताओ हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, बता रहा था। सर मैं बताती हूँ, भारत देश का नाम राम के छोटे भाई भरत से पड़ा है। बढ़िया राधा, अराधा बैठ जाओ। और कोई बताना चाहेगा? सर भारत देश का नाम शकुंतला देवी और दुष्यंत जी के पुत्र भरत से पड़ा। बढ़िया, अरम तुम बताओगे? माइक बताओ। हेलो, चल रहे। सर हो सकता है कि पहले भारतवर्ष का नाम भारत हो। पहले भारत का नाम क्या था? अरम तुम बताओ। सर वो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं अरम, तुम घर जाके सर्च कर लेना। तो अब मुझे ये बताओ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताओ अरम। हाँ सर, ये मैं बता सकता हूँ, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बढ़िया अरम, तो हाँ आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए। तो कल एक रोल प्ले एक्टिविटी है, तो कल सभी बच्चे एक एक फ्रीडम फाइटर्स की ड्रेस पहन के आना और कुछ लाइन्स याद करके आना, ठीक है? ओके सर। रानी लक्ष्मी बाय टुमारो। ओह इट्स बोरिंग। अरम कल तो मैं भगत सिंह बन के आऊंगा, तू क्या बन के आएगा? मैं देखता हूँ घर जाके। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम जैनियों में तो फ्रीडम फाइटर होते ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं होते होंगे? बोलो हाँ अरहम ये सही तो कह रहा है, तुम्हारे यहाँ पे तो फ्रीडम फाइटर्स होते ही नहीं है, तुम लोग तो हम हिंदू पे ही डिपेंडेंट रहते हो। हाँ हाँ मैंने तो सुना है कि तुम लोग एक चीटी तक नहीं मारते, तुम दुश्मन को क्या ही मारोगे? ऐसा सुनकर अरहम कुछ नहीं बोलता और अपने घर की ओर चला जाता है। कि आज मैं अपना लैपटॉप पर जाकर सर्च करूंगा कि जैन फ्रीडम फाइटर्स होते भी हैं या नहीं। जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करके गूगल सर्च करने बैठ जाता है। सबसे पहले देखता हूँ हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा।
भारत आप श्री ऋषभ देव जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती जो चारों खंडों के विजेता थे उनके नाम से पड़ा। भारत को पहले जबूदी पंजाब वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। अरे ये तो आदिदास भगवान के पुत्र भरत है। चलो अब सर्च करता हूँ। जैन फ्रीडम फाइटर्स रानी अबक्का जैन ये कौन थी? प्ले। मैं हूँ रानी अबक्का जैन जिसने पोर्टुगीज के खिलाफ वॉर करके अपने देश की और जैन धर्म की रक्षा की है। पोर्टुगीज से लड़ाई करते हुए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हुए जिसने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। सभी क्लैप करेंगे बच्चों के लिए। देखता हूँ सेठ अमरचंद जी भाटिया और जैन कैसे। प्ले। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की। ग्वालियर के राजा की दोस्ती अंग्रेजों से होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर हमला बोल दिया और राजा वहां से भाग गया। उस वक्त ग्वालियर का सारा राजकोष अमरचंद भाटिया जी के हाथ में था। उसी वक्त उन्होंने अपनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ सारा राजकोष बिना कोई मोहर लिए लक्ष्मीबाई की सहायता में दे दिया। जैसे ही अंग्रेज़ों को इस बात का पता चला उन्होंने सेठ अमरचंद भाटिया जी को देशद्रोही का करार दे दिया और उन्हीं के घर के सामने उन्हें फांसी दे दी और उनके शव को 3 दिन तक पेड़ पर ऐसे ही लटकाए रखा। मिटाने से नहीं मिटते डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे अरे पंडित टोडरमल जी जैन ये कौन थे? प्ले। पंडित टोडरमल जी का जन्म आज से 300 वर्ष पूर्व हुआ था। वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपासक थे। उन्होंने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य बनाया था, जब तक जीवित रहूँगा जैन धर्म की प्रभावना करता रहूँगा। देश की स्वतंत्रता में उनका अत्यधिक योगदान है। गुरु गोविंद साहिब जी जब मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे तब उनके दोनों सुपुत्रों को मुगलों ने मार दिया था और उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से मना कर दिया था। उन्होंने शर्त रखी कि अंतिम संस्कार की जगह के बदले उन्हें स्वर्ण मोहरे चाहिए। टोडरमल जी ने उनकी यह शर्त मान ली और खड़ी स्वर्ण मुद्राएँ बिछा दी। उन्होंने मुगलों से सोनों की मोहरों के बदले भूमि लेकर स्वयं अंतिम संस्कार किया। यह अब तक की इतिहास की सबसे महंगी बेची या खरीदी जमीन बन गई। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी दिल की आरज़ू। अरे विक्रम साराभाई प्ले।
विक्रम साराभाई का जन्म 1919 में हुआ। वे इसरो के बहुत ही बड़े और जाने माने साइंटिस्ट थे। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉलेज की पढ़ाई करके उन्होंने आत्मनिर्भर और बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन उन्होंने साइंस और भारत को सौंप दिया। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 1966 में पद्मा भूषण पुरस्कार भी मिला। 30 दिसंबर 1971 में उनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई और भारत को अपना अनमोल हीरा खोना पड़ा। फाइटर्स के बारे में जानकर अरहम मानो हिमालय पर्वत की चोटी पे चढ़ा हुआ महसूस करता है। गांधी जी के बारे में सर्च करता है और घंटों तक उनके बारे में पढ़ने के बाद वह देखता है क्या गांधी जी भी जैन धर्म से, यह कहकर उसकी आंख लग जाती है। माटी पुकारे तुझे देश पुकारे, आ जा रे अब आ जा रे, भूले हम रहे हमें राह दिखा दे, आ जा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे, हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। बंदे में था दम, बंदे मातरम, बंदे में था दम, बंदे मातरम, अरहम उठो बेटा। अरे गांधी जी आप तो मर चुके थे, आप मुझे कैसे दिख रहे हो? हाँ बेटा, परंतु 15 अगस्त और 2 अक्टूबर पर मैं उन सभी को दिखता हूँ जो मुझे अपने मन से याद करते हैं। तुम्हें मुन्ना मुरली तो याद होगा? हाँ। उसके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही केमिकल लोचा हुआ था। पर गांधी जी आपने जैन धर्म को क्यों अपनाया? अरम, मैं जैन धर्म से बहुत प्रेरित था। एक दिन मैं एक जैन मुनि के पास गया और मैंने अहिंसा, मांसाहार का त्याग और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का नियम लिया। अरहम, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, तुम जंग से एक देश पर तो विजय हासिल कर सकते हो, परंतु प्रेम और अहिंसा से उस देश के देशवासियों के मन पर विजय प्राप्त करी जा सकती है। अरहम, तुम चिंतित मत हो, एक व्यक्ति धर्म से नहीं कर्म से जैन होता है, और जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए लड़े उसे जैन ही कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्म।
चलिए जोरदार ताली से स्वागत करें इन बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी थोड़ा सा सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम अवनी जैन है और मेरे पापा का नाम श्री संजीव जैन है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। न सरकार है मेरी, न रब है मेरा, ना कोई नाम है मेरा। मुझे तो बस एक छोटी सी बात पर गौरव है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान है मेरा। आज हमारा देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम खुशनसीब हैं कि हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं, परंतु ये आज़ादी हमें थाली में परोसकर नहीं मिली है। लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के फल स्वरूप ये दिन आया है, जिसे हमें आगे भी संजो के रखना है। 15 अगस्त 1947 का यह दिन हमें गर्व से भर देता है। यह दिन है तो हमारा आज है, यह दिन है तो हमारे आने वाला कल है। 78 सालों से भारत निरंतर प्रगतिशील है, परंतु इसके साथ साथ कोई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, जैसे आतंकवाद आदि। यह भूमि वीरों, तीर्थंकरों और संतों की भूमि है। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी थी। उनकी दी गई शिक्षा सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, अपितु ये तो पूरे विश्व को जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। इस भारतीय संस्कृति में भगवान स्वामी के दी गए शिक्षा इस भारतीय संस्कृति में महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत दिगंबर संतों द्वारा धारण कर पूरे विश्व को क्रांति नहीं बल्कि शांति का संदेश देते हैं। यह हमारे मार्गदर्शक है। हमारा देश तो वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में हम, हमारा परिवार, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब सुरक्षित है और फल फूल रहे हैं। इसलिए हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि उसका हर फैसला, हर कदम देश की प्रगति के लिए हो। हमारा तन, मन और धन हमेशा देश को सीमित होना चाहिए। जय हिंद। जोरदार तालियां एक बार। आइए उत्तर भगत सिंह। ओए की कर रहा है भाई? बंदूके बो रहा हूं। ओए बंदूके बो रहा है? ते एते फल लगन के गोलियां दे ते उनु खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। ओए जिंदा रहे मेरे पुत्र, शेर पुत्र, हुण ते सानू आजादी मिल के रहेगी। बहुत बढ़िया। Simon, वापस जाओ। Simon, वापस जाओ। Simon, go back, go back. पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, तेरा लुटना जाए, ओ तेरा लुटना
ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल गोए तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले बल्ले तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले बल्ले 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 कमीनों ने बाली। कल रात से पानी भी नहीं दिया। अबे सुन रहा है कोई, पानी लाओ। ओए पानी तो दे दो हरामियों। पानी लाओ पानी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब इंकलाब, what the hell is your इंकलाब? बार बार इंकलाब का नारा लगाते हो, इसका मतलब भी समझते हो आप? इंकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इंकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इंकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब समझाने के लिए। समझ ही गए तो आप भी आ जाएं हमारा साथ निभाने के लिए। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। ओए भगत सिंह, ओए भगत सिंह, हुण ते रब दा नाम ले ले भगत सिंह, हुण ते तू जा रहा है भगत सिंह। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। ओए भगत सिंह।
कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांध दो। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बड़ा ही भावुक दृश्य था। एक बार जोरदार तालियां, एक बार अच्छे से खुल के तालियां बजाओ ना, जोरदार उठा के दोनों हाथों को। ये सारी व्यवस्था सिर्फ दो दिन में हुई है, पूरी मेहनत रहनु भालियों में आनंद नहीं आया। ताली इतनी जोरदार होनी चाहिए, इन बच्चों का उत्साह हर साल ऐसे बढ़े। थोड़ा थोड़ा आगे हो, गुरुदेव का प्रवचन होगा, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए सभी। आ जाइए आप लोग एक बार अपना। छुपी ही कला उनके अंदर है जो किसी किसी के पास हुआ करती है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राकेश जी से कि वे पूज्य श्री का मंगल में आशीर्वाद प्राप्त करें, और वह कुछ चित्रों को संजो करके लाए हैं। वह एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका हमारे संजीव भैया संयुक्त जी इधर आओ। राकेश जी आए हैं। राकेश जी मुख्य देखना कितनी खूबसूरत तस्वीर, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये बस दिखाइए सबको, ये इन्होंने स्वयं बनाई है राकेश जी ने। अच्छा और देखिए एक तस्वीर जो बना के लाए हैं, देखिएगा गुरु के चरणों में है। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। पावन बेला, पावन दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पावन अवसर पर हम सभी को पूज्य श्री की मंगलमय वाणी का मंगलमय श्रवण हो, एवं सभा के पश्चात सभी के भोजन की व्यवस्था है तो आप उसे भी ग्रहण करके जाएं। जो सरस्वती सदन में है आपकी संपूर्ण व्यवस्था भी है, उसे भी ग्रहण करके जाएं। आइए दोनों हाथों को सिद्धि व्यह
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निरिधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं पुष्पदंताद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज जबले परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणा स्रोत आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं कुछ दृश्य आप देख रहे थे उस दृश्य को देख करके आपको महसूस हुआ होगा कि देश की आज़ादी में हमारा कोई भी योगदान नहीं है कोई भी योगदान नहीं है। अभिनय की दुनिया में रह करके वास्तविकता की पीड़ा को नहीं पहचान सकते हम लोगों की तो किस्मत अच्छी है कि वो गोलियां झेल रहे थे और हम लोग अपने अपने गांव और घरों में होलियां खेल रहे थे। जिनने जिनने वो दृश्य को देखा होगा उस समय और जिनकी स्मृतियों में होगी और स्मृतियों के साथ जब देश स्वतंत्र हो गया होगा तो जब वह कथाएं और गुणानुवाद ध्वज फहराते हुए कर रहे होंगे तो उनके आंखों के आंसू और हृदय की खुशी पूरी दुनिया देख रही होगी। इसीलिए उस समय का गीत अभिनय की दुनिया का बहुत प्रसिद्ध हो गया था ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। और वो गीत को सुनते सुनते कितने लोगों के आंखों में आंसू थे नेहरू के समय में गाया गया लता मंगेशकर ने गा लिया आज अगर हम दृश्य भी देख रहे होंगे तो अगर वो फांसी का तख्ता भी होगा तो भगत सिंह को तो नहीं देख रहे होंगे बाजू में वो तो बंधा ही नहीं था वो तो खुल गया दिमाग हास्य में जा रहा होगा पीड़ा में नहीं। गहराई से देखते चले जाओगे तो महसूस होने लगेगा कि 1857 के बाद से लेकर के 47 तक कितने सारी स्थितियां गुजरी होगी 1947 तक तब हमको पता लगेगा कि संघर्ष क्या चीज है। पीड़ा का अनुभव बंधन में होता है स्वतंत्रता में नहीं होता। एक घंटे के लिए भी आपको सजा के तौर पर अगर जेल में बंद कर दिया जाए नज़र बंद कर दिया जाए या अपने घर में ही दो पुलिस वाले बाहर रह करके आपको नज़र बंद कर लें
उस समय आप अपनी मानसिक स्थिति और मानसिक पीड़ा के बारे में सोचना, शारीरिक नहीं अभी, मानसिक पीड़ा। और कहीं वो आपको पकड़ करके ले जाए, बोले चल तेरा वहीं स्वागत करेंगे, बस इतना बोले वहीं स्वागत करेंगे, तो स्वागत शब्द सुन करके आपके दिल में कौन कौन से भाव, कौन कौन सी पीड़ाएं और कौन कौन से अज्ञात भय आपके दिमाग में गूंजते होंगे वो सोचना। तन की और वचन की पीड़ा को उस समय याद कर लेना। और कजाती चाप को साल भर के लिए ढाल देवे जेल में, उस समय आप अपने विचार और अपने परिवार और खानदान और रिश्तेदार और संबंधों के बारे में सोचना, कौन से विचार आपके दिल में आते होंगे। खाली कल्पना करना बस, क्योंकि कुछ दिन हम लोगों के लिए कल्पना करने के लिए आते हैं। वो बंधन की पीड़ा वही जानता है। उस तोता से मैना से पूछ लो जो पिंजरे में बंद है और आप काजू किशमिश भी खिला रहे हो, फिर भी उसके पंख छटपटा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं कि बोले बंधन में कितना भी सुख मिल जाए लेकिन खुले आसमान स्वतंत्रता का सुख अलग ही है। लेकिन इंसान की विशेषता है, रहना तो स्वतंत्र चाहता है लेकिन बंधन में ही सुख को महसूस करता है। आप भी आजादी पूरी चाहते हैं लेकिन महसूस क्या करते हैं, बंधन में बंधे रहे, परिवार में, रिश्ते में, व्यापार में, संबंधों में, पदों में, प्रतिष्ठाओं में, कोई ना कोई बंधन में ही आपको आनंद आता है, स्वतंत्रता में। लेकिन चाहते क्या है, स्वतंत्रता, लेकिन जुगाड़ किसका करते हैं, बंधन का। यही तो विपरीतता है मनुष्य की, यही उसका संसार है, यही उसकी पीड़ा है और उसी में वो आनंद मानता है। एक एक चीज को अगर देखते और चलते चले जाओगे तो आपको महसूस होने लगेगा। फिर अपना दिल अपने आप ही कहने लगेगा हमारा तो इस स्वतंत्रता में कोई भी योगदान नहीं है। उस समय 70 और 100 साल का समय दुखद था, पीड़ाओं से घिरा हुआ था, अपनापन तो था लेकिन अपने नहीं थे। 70 गुलामों पर लुटाती तो थी लेकिन सुख का एहसास करने भी नहीं देती थी। जैसे कभी कभी छोटी बैलगाड़ी में कुत्ते को आगे बांध देते और उसके आगे ही मुर्गे को बांध देते ताकि उसको पाने के लिए वो दौड़ता रहे। वो तो पाने के लिए दौड़ रहा है लेकिन पीछे उनका काम। ऐसी स्वतंत्रता पाने की उम्मीद में आनंद लेने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। कहां लेंटर के नीचे बैठ करके आजादी का जश्न मना सकते हैं, मना सकते हैं? ख्वाबों में आनंद ले सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में अगर एक बार गुजरो तो, जिसे आप अपने शब्दों में कह देते स्ट्रगल करो, तो कैसा लगता है? घर में बाप की पूरी संपत्ति मिल जाए और उसका आनंद लो और अपनी आप ही कमाओ, भटकते भटकते उसका आनंद देखो। हम लोगों का जो आनंद है वो कौन सा आनंद है, बोले मिली हुई संपत्ति का आनंद है, संघर्ष का कोई भी आनंद नहीं है। संघर्षों का कोई आनंद नहीं है। कभी कभी यह याद कर लो तो आपको महसूस होने लगेगा कि हाथ में तिरंगा लेकर के बैठे हुए हैं, कितने सहजता से बैठे हुए हैं,
14 को बना होगा, 15 को हाथ में आया है और 16 को नाली में चला जाएगा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है? ये तो आपके भीतर भाव भरा जाता है कि भाई यह देश का राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, इसलिए क्या करो, सावधान रहो और सम्मान करो। आप सोचो, महसूस होने लगेगा आपको। पूरा हर मास उन्होंने एक कर दिया होगा स्वतंत्र कराने के लिए, और अपन इतना सा हिला करके सोच ले कि उसके सुख की अनुभूति हो जाए, हो सकता है क्या? एक कोने में तुरपाई भी नहीं की होगी जितना उन्होंने गोलियां झेली होगी, आप उतने सुई भी नहीं लगाए होगे इस झंडा में। खाली सोचना बैठे बैठे स्वतंत्रता की बातें, तो आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी तरीके से फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से कितनी अच्छी अच्छी मिल जाती। अभी भी आप देख रहे थे ना एक एक चीज को, कि योगदान उस समय का देखोगे तो पता लगेगा। जरा से झंडा फहराने के लिए भी 14-14 साल के बच्चे बिल्डिंग में चढ़ करके ध्वजा फहराने जाते हैं, और नीचे से देखो तो अंग्रेज धाए 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 करके आनंद, तो उसको पता होगा स्वतंत्रता का, जो साक्षात देखे होंगे, जिनने पीड़ा झेली होगी उनको पीड़ा ही अनुभव होगा। पता नहीं कितने स्त्रियों के मांग के सिंदूर उड़े होंगे, कितनी मां निपुती हुई होगी, पुत्र विहीन हुई होगी, कितनी बहनों की कलाई सोनी पड़ गई होगी। याद आता है क्या कुछ चीजें? नहीं, नहीं आता। एक घंटे के लिए बस जो चीज दृश्यमान होता है, या पूरे वातावरण को संगीत और दृश्य के माध्यम से देश भरने की चेष्टा करती आपके भीतर, एक दिन पहले से, दो दिन पहले से 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आपको तो स्वतंत्रता का आनंद अलग है, उनका आनंद अलग था। बच्चों से पूछ लेंगे भाई स्वतंत्रता दिवस कब आता है, बोले जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है, वो है। और आपके पति महोदय से पूछ ले स्वतंत्रता दिवस कब आता है, तो कह देंगे जब मायके जाती है तभी आता है। सोचते रहो ना आप, सोचते रहो ना आप कि आनंद स्वतंत्रता का आपको किस में आता है, और उस समय का आनंद क्या होगा, उस समय का जज्बा क्या होगा, उस समय देश के लिए मिटने मरने के लिए खून देने के लिए कैसे लोग तैयार हुए होंगे, छोटे छोटे बच्चों के मन में कैसे कैसे भाव भरे होंगे कि 14 साल से लेकर के 40 साल तक के जवान देश की सेवा के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत माता को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने सुख सुविधा, घर परिवार, आनंद और जीवन को छोड़ करके उस भट्टी में कूद पड़े होंगे। खाली सोचो बस, हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। उस समय के 78 साल का, किसी की उम्र अगर 90 साल 95 साल की होगी तो एकाध दो चार जिंदे होंगे, वह तो लाल किले पे प्रोग्राम होता होगा तो कभी उनके दर्शन हो जाते होंगे कि ये हमारे थे, इन्होंने जंग लड़ा है, ये गए थे। आपके मन में कोई भाव आ जाता है? कोई बॉर्डर पे मर के आया हो,
और उसके घर के परिवार की क्या स्थिति बन रही है। अपने देश के शहीद का ही यह परिवार है, किस गरीबी में जूझ रहा है, किस अशिक्षा में जूझ रहा है, किस बीमारी में जूझ रहा है, किस परेशानी में जूझ रहा है। हे प्रभु, हम तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आनंद से जी रहे हैं, और इनकी स्वतंत्रता के कारण से अपना जीवन, अपनी तिजोरी संपन्नता से भर ली है। अगर वे अभाव में हैं तो चलो उनके लिए कुछ कर बैठें, ताकि उनका या उनके परिवार के सदस्य का कुछ भला हो जाए। विचार भी नहीं आता होगा, सरकार जरूर कर लेती है, नहीं कर पाते, इसीलिए केवल सोचते रहो। सम्मान उनका कर सकते, जिनका लहू अपने देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता में कारण बना है, उनके परिवार के लिए। इतिहास की खुशियां अलग चीज है, उससे वर्तमान जीवन का कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। कि भरत का भारत बोल दो, या दुष्यंत का भारत बोल दो, या राम के भाई के भरत का भारत बोल दो, या इंडिया बोल दो, या आर्यावर्त बोल दो, या अजनाब वर्ष बोल दो, कौन सा आपके दिमाग में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। जिसे पगला कहते उसको हो जाता है। अभी कह रहे थे ना, गांधी जी आ गए, मुन्ना में केमिकल लोचा हो गया था, कह रहा था ना, यही तो शब्द था ना, है? इतनी स्मृति में क्या आपके जीवन में धर्म के भगवान और संत आते हैं, देश के सेना या मुक्त करने वाले, प्रतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने वाले, जो अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उनकी कहीं याद आती है? नहीं, कुछ नहीं आती। उनने जो किया उसके कृत्य पर हम केवल खुश हो लेते हैं, लेकिन उनने जो किया उसमें हम थोड़ा सा कर सकें, ऐसे भाव पैदा नहीं होते। सुन रहा था भगत सिंह का, बोले कौन सी टोडरमल, कौन सा भेद था उस समय, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, कौन इनकलाब का नारा दिया, कौन वंदे मातरम का दिया, कौन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोल रहा है, कौन ने झंडा बनाया, किस जाति के थे, कुछ नहीं। बाद में हम लोग पता करते चले जा रहे हैं। उस समय तो एक ही जज्बा था सबका, केवल अपना देश स्वतंत्र होना चाहिए। कौन सी जाति का है, कोई भी फर्क, कोई फर्क नहीं था, कोई भेद ही नहीं था। सबको एक ही चीज लग रहा था कि हम लोग दोनों किसी भी जाति के हैं, दोनों का खून एक ही रंग का है, दोनों का मांस एक ही रंग का है। टुकड़े में बटे कहां थे? खाली सोचते चले जाओ, बस एक एक चीज को याद करते चले जाओ, तो कहां से बात चली थी और कहां तक पहुंच गए, जैसे गांधी जी को आज तक स्मरण करते चले जा रहे हो। सोचते चले जाओ ना, कौन सा जीवन था, और कैसे बिल्कुल उस सूत्र को स्वीकार कर लिए जब ब्रिटेन जा रहे थे और उन्हें काला कह करके ट्रेन से उतार दिया। बोले ऐसी गुलामी में नहीं जीना, जिस देश में पैदा हुआ हो उसे गुलामी से मुक्त करना। और सोचो उस जमाने में विदेश में जाकर के ला करके आ गए, ला करने के उपरांत भी अपने देश के प्रति समर्पण समाप्त तो नहीं किया, पूरा जीवन यहीं खपा दिया, अन्यथा तो लाखों करोड़ों वहां भी कमा सकते थे, उपाधि कई प्राप्त कर सकते थे। उस समय उनकी गुलामी करने वालों को उपाधियां दी जाती थी, जिससे आजकल हम लोग बड़े खुशी से कहते राय बहादुर, पोल खोलने वाले खुफिया एजेंसी वही थे अपनी बात बताने वाले, तभी तो तिजोरी भरती थी। इधर उधर की चीज को मत ध्यान रखो, एक सहजता से समझो।
सहजता से समझोगे तो आपको महसूस होगा क्या स्थिति थी, हम क्या चीज को प्राप्त करके खुश हैं और उन्हें क्या किया। एक जज्बा होता है और उसमें कौन सा कार्य कौन व्यक्ति कर बैठा कुछ पता भी। उन्होंने उस चाणक्य के जैसे काम करना प्रारंभ कर दिया कि एक कांटा चुभा था तो पूरे के पूरे उस स्थान के बगीचे को ही, कांटे के बगीचे को ही उखाड़ फेंका। कहीं ना कहीं भाव तो थे, महसूस तो करो, महसूस करोगे तो बहुत कुछ भीतर से बोलने लगेगा। दृश्य को देख करके कभी आंसू आ जाएंगे टीवी में, हे भगवान कैसे लोग थे, लेकिन हकीकत में दुत्कारने के भाव आ जाते हैं। जैसे फिल्मों में देख लेते हो किसी भिखारी को, किसी गरीब को तड़पते हुए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आंसू आ जाते हैं। और कहीं उसी समय दरवाजे पे आ जा मांगने वाला तो चल चल दिमाग खराब कर रहा, अभी मैं कुछ कर रहा हूं और तू कैसा मन है हमारा, कैसा मन है, खाली अपने मन को पकड़ो। तो मन को पकड़ोगे तो आपको लगेगा हे भगवान, दिखना तो हम कोमल चाहते हैं लेकिन भीतर से हैं कठोर, नारियल के समान हैं। बोले नहीं, किसके समान है, किसके समान है, सुपारी के समान है। बाहर से कवर तो मुलायम लगता है और भीतर से वो पूरा का पूरा कठोर होता है। नारियल तो बाहर से कठोर दिखता है लेकिन भीतर से बहुत मुलायम होता है। वो जिंदगी जी रहे थे, वो जिंदगी की कथाएं सब यहीं पे आ रही थी ना, आप देखते चले जा रहे हो, आधे घंटे में सब चीज देख रहे थे। महसूस होने लगेगा कि वो गांधी कैसे कैसी स्थिति से गुजरता चला गया और कितना अपने जीवन को भी संभाला, बुद्धि को भी संभाला, देश को भी संभाला, भले ही आज अपन उससे कुछ भी कहें लेकिन उस समय ऐसे ही कठोर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ गई थी। उसके पीछे चलने वाले ऐसे ही मजबूत भगत सिंह सुखदेव की आवश्यकता पड़ गई थी। ऐसी अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मर्दानी झांसी बाई की आवश्यकता पड़ गई थी। महिला हो या पुरुष हो, उस समय सबके दिल में एक ही भावनाएं थी, कैसे हम अपने देश को आजाद करा दे। सारे पक्षियों के पंख फड़फड़ा रहे थे, कैसे पिंजरे से बाहर निकल जाए। कर्नाटक की अतिमब्बी लेडीज का भी नाम लिया, कुछ नहीं, वो भी महिलाओं को इकट्ठा करके वही काम कर रही थी। बढ़ते चले जाओ तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में काम तो किया है, कोई तन को मिटा के, कोई धन को मिटा करके, कोई समर्पण को दे करके किया तो है। भाटिया का नाम ले लिया तो अगर लिया है ग्वालियर में जाकर के देखना, पेड़ है। और भी ऐसे कई हैं, उसने अर्थ दे करके कर लिया, वो भामाशाह का काम कर लिया, क्योंकि जैन ये दे करके ज्यादा काम कर पाते हैं, ये विशेषता है, आज भी वही विशेषता है कि दे करके सारे काम कर लेंगे, लड़ करके मर करके नहीं कर पाते, क्योंकि अहिंसा ज्यादा भीतर प्रवेश कर गई है। बोले लड़ना नहीं मरना नहीं, शांति से काम चलता है तो चला लो। भामाशाह भी देने के नाम पर नाम आ गया था तो भाटिया का भी देने के नाम पर नाम आ गया है, तो इधर टोडरमल का भी, बोले हम तो नहीं मर सके लेकिन सिख और जैन, आज भी वहां पर जाकर के देखोगे तो दरवाजे पर पारसनाथ का ही मंदिर बना हुआ है, जब अंदर जाओगे आज भी टोडरमल के नाम से ही हाल बना हुआ है, वहां जाओगे तब बना है नाम कृतज्ञता,
कृतज्ञता। जिनियों का सहभागिता तो कहीं ना कहीं है ही है, बुद्धि और लक्ष्मी कहीं ना कहीं पीछे से देते रहे हैं। बुद्धि से मार्ग निकाला है या फिर लक्ष्मी देकर के सहभागिता दर्शाई है। सोचोगे तो आप महसूस करते चले जाओ क्या स्थिति बनी होगी ये जवान बेटे को देखते देखते फांसी के तख्ते पर। खाली सोचो, बाकी बातें तो बिल्कुल अलग है। देश क्या है, किसने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे। खाक जान दोगे, जान तो लो पहले कि किया क्या है। एक सेकंड नहीं लगने वाला है, जरा सा पढ़े लिखे हो जाओ और विदेश में नौकरी लग जाए तो भारत को छोड़ करके एक मिनट में चले जाओगे। भले ही कितना कहोगे धरती मेरी माता, वंदे मातरम, कछु भी कर लो, एक क्षण भी नहीं लगता है। किसके मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं, अगर मैंने यहां पढ़ा है, यहां शिक्षा ली है, यहीं जीवन गुजारा है तो मैं विदेश यहीं पे अपना काम करूंगा, यहीं के लोगों को विस्तारित करूंगा। कहां भाव पैदा होता है, कहां भाव पैदा होता है? बल्कि आपको खुशी होती है, मेरा बेटा विदेश में बहुत कम आता है, लेकिन महाराज हमारे घर में बहुत कम आता है। यही कहोगे आप और कुछ नहीं कहते हो, बड़े खुश होते हैं। कहां वो भाव पैदा हो पाता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भाव आता है क्या कि जिस भूमि पर जन्म लिया हूं, आता है क्या भाव? खाक आता है, वो तो रिश्तेदार है, थोड़ा सा याद आ जाता है, नहीं तो पता पड़िया नरकंकाल भी बन जाए तो भी आपके बोलोगे अरे वहां से आएंगे तो इतना और लग जाएगा। सोचो, देश की बात नहीं कह रहा, कौन कहे, तो बहुत सारी बातें आपको लाल किले से लेकर के घर के किले तक सुनने मिलेगी। आज वही सब सारा हो रहा होगा, बढ़ रहे हैं आगे, 78 साल हो गए हैं, चल रहा है। तरक्की के जमाने में बहुत कुछ कर लिया हमने, तरक्की तो बहुत कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है कि मटके से फ्रिज तक आ गए हैं। आगे कि नहीं आगे, आप देखो, देख लोगे तो आपको पता लगेगा, है दीपक से मरकरी तक आ गए हैं, कहां तक आ गए, तरक्की तो करी है ना, धीरे धीरे करी है ना, सुई से सुपरसोनिक तक पहुंच गए ना, तरक्की करने में कौन सी कमी करी है? कौन कह सकता है कि भारत ने 70 साल में तरक्की नहीं करी है? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। इतनी तरक्की करी है, इतनी तरक्की करी है कि उस समय की मेहनत आज की मेहनत से 100 गुना ज्यादा थी। उस समय कुआं खोद करके पानी निकाला, कुछ भी नहीं था और सब कुछ करने लग गए। आज तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, 20-25 साल से बने हुए कुएं से पानी निकाल करके काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। जब कुछ नहीं था तब बहुत कुछ दिया, जब सब कुछ है तो द्वंद्व क्लेश उलझने अशांति, वही मनुष्य जातिवाद संप्रदायवाद धर्मवाद फलाना ढिगाना ये सब बढ़ रहा है। उस समय सब भूल गए थे, जब जनगण मन अधिनायक जय हो ये गीत भी लिखा गया था तब उसमें जैन और बौद्ध सबका नाम लिखा हुआ था, एक स्टेंजर उसका भी है जनगण मन अधिनायक जय हो में, जैन का भी नाम आता था, बौद्ध का भी नाम आता था, सबका आता था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंगा सब आते थे। गीत में भी सबका आते थे, कोई सिख कोई मराठा कोई गोरखा कोई हिंदू कोई मुस्लिम, क्योंकि वो समग्रता थी। कौन सी चीज थी? समग्रता थी। और वो भाव आज मरे नहीं हैं, आज भी जीवंत हैं। देश के ऊपर कदाचित कोई भी आक्रमण आएगा तो जो कहीं परेशान हो जाते हो,
पत्नी की परीक्षा कब होगी? जब पति गरीब होगा। पति की परीक्षा कब हो जाएगी? जब पत्नी बीमार होगी। दोनों का साथ कैसा है? अपने आप पता लग जाता है। ऐसे पता नहीं लगता, क्योंकि ऐसे तो दोनों ठीक ठाक हैं, मजे में हैं। लेकिन जब कुछ हो जाता है तब अनुगामी बनना, दरिद्रता में भी ऊपर से नीचे आकर के, तो पता लगता, हाँ कदम से कदम बीमारी पड़ जाए और उसके पीछे लगा है, कितना जिंदगी में किया। परीक्षाएं सब होती है, कर रहा है, ऐसा नहीं है, सब चीजों का होता है। देश प्रेम की परीक्षा भी हो जाएगी जब कुछ होगा, उसके पहले तो सब साथ हैं, छोटी सी जिंदगी है। कितने सारे कर्तव्य को हमें अति जीवन जी लेना है, मिट्टी में मिलने से पहले आसमान की ऊंचाई को छू लेना, यानी हम पूरा तो नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते, मिलने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऋतुओं का प्रभाव अपने आप ही दिख जाएगा। और शुरू से लेकर के आज तक धरती की ऐसी कृपा रही है भारतवासियों पर, अपने लोगों पर, कि जब हम 47 में हम 47 करोड़ थे तो भी ये धरती सब लोगों का पेट भरने के लिए अनाज देती थी, और आज 125 करोड़ हैं तो भी उतना ही अनाज दे रही है, कहीं पर कोई कमी नहीं कर रही। हमारी विनिमय की व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है। महावीर के सूत्र को कहीं ना कहीं भूल गए हैं इष्टाकिष्ट बनने के चक्कर में। समय आएगा, अवसर आएगा, तब निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। है स्थिति, आज भी उतना दे रही है, उससे ज्यादा दे रही है कि तुम विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सको। खाने के, पहनने के, रहने की कोई भी जगह की कमी नहीं है, लेकिन स्थिति और बदल गई है। बोल बाप रे, कितने लोगों को दिया जा रहा है अनाज, कितने करोड़ लोगों को, सोचो अब 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर के हम गरीब हुए हैं या अमीर हुए हैं? देश की जनता क्या हुई है, सोचो। लेने वाला न हो, कमाने वाला पैदा हो, तब तो हम सोचेंगे कि हमारी तरक्की वर्तमान में और बढ़ रही है। स्थिति बदल जाएगी, लेकिन ये दूसरे विषय हैं, अभी इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ना आपके मन में विचार आता है कभी। लेकिन अपने घर को भी संचालित करते हो तो महसूस कर लेते हो, पहले बच्चे पढ़ लें, घर वाले खा लें, बीमारी का इलाज हो जाए, ऐसा संपत्ति मेरे पास रहे। अभी लग्जरी आइटम नहीं लाएंगे, घूमने के लिए लंबी कार ले आए, बैंक से लोन ले करके नहीं सोचते। आप घर का भी मैनेजमेंट करते हो तो आपके मन में यही विचार आता है। देश सत्ता के लिए कितना सोचना पड़ता होगा। हमारी संस्कृति बांटने की ऐसी रही है कि आज तक अपना भारत देश कभी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गया, लूटने के लिए नहीं गया। पूरा इतिहास उठा करके देख लो, आज तक दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गया है। बाकी सभी देश कहीं ना कहीं गए हैं और आए हैं, लेकिन अपना भारत देश नहीं गया। और कितना भी आक्रमण हुआ है, इतना समर्पित भाव है इस देश के रगों में भी, खून में भी, जमीन में भी, मिट्टी में भी, कि कितने बार मिटाने की कोशिश की, फिर हमारा भारतीय संस्कृति फिर से वैसे ही खड़ा है, कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं है। शक्ति और सत्ता तो इतनी आ गई थी कि अगर कदाचित आक्रमण का मौका भी आया तो भरत चक्रवर्ती से लेकर के बाहुबली से लेकर के आज तक वही संस्कृति चल रही है। बाहुबली ने भी जीता था लेकिन भरत को वापस लौटा दिया। चली कि नहीं चली संस्कृति भरत और बाहुबली की? चली कि नहीं चली? जीतना और लौटा देना की संस्कृति चलती रही है। आगे बढ़ते चले जाओ तो बहुत सारी संस्कृति है। अगर राम और भरत को भी लेंगे तो कह देंगे भैया जीता था लंका को लेकिन वापस
लौटा दिया। जीत करके लौटा देना हमारी संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है। अभी भी अगर देखने लगोगे तो देख लो, पाकिस्तान को जीता था इंदिरा गांधी ने 70-80 हजार सैनिक समर्पित बांध दिया, लेकिन बोला जा तो अपना काम कर, कोई लेना देना नहीं है। कितने सारी चीजें आती हैं, जितने और लौटाने की बातें, और भी कई चीजें ऐसी होती है। तो भारतीय संस्कृति के भाव ही रहे हैं, किसी को लूटना नहीं है, अपने आप को तो बांटना है। और ये संस्कृति और संस्कार कहीं ना कहीं पूर्वजों से आते चले जाते हैं, और वो भावनाएं दिल में बैठी रहती है। भारतीय संस्कृति की शिक्षा ही यही है, इसीलिए वो शिक्षा में महात्मा गांधी का विशेष नाम आ जाता है। तो कह रहे थे ना भी कि जैन से ही शिक्षा पाली थी, पढ़ा है उसने भी, देखा है सबको, तीन ही व्यक्ति की बात को स्वीकार करके जिया है गांधी तो, एक रस्किन की बात को, एक टालिस्टाई की बात को, एक श्रीमद राजचंद्र की बात को। राजचंद्र जैन था गुजरात का, और गांधी जी संपर्क में थे, संकल्प उसी से आया है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप देखते चले जाओ। विज्ञान के बुद्धि में भी जैनियों का नाम आ जाता है, देश के साथ तो सारा भाई का नाम ले रहे थे कि नहीं, सब आप ही निकाल रहे थे उसमें, आज भी चलता है। संस्कृति कहां से आ जाए, किसके पास से आ जाए, छोटे में भी देखोगे तो कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन जितने भी धर्म की क्रिया अपने मंदिर में रह करके कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, लेकिन दया सेवा उपकार परोपकार का काम तो कोई सा भी जीव हो बिना भेदभाव के साथ कर सकते हो। जिंदगी आएगी और विदा हो जाएगी, लेकिन आने और जाने के पहले जो कुछ कर लिया वही तुम्हारे जीवन का इतिहास है, और कुछ भी नहीं है। तो बड़े आनंद के साथ आप सभी लोग यहाँ बैठे और बड़ी गंभीरता से भी सुन रहे हैं, कि वहां देख रहे थे तब आपके चेहरे के भाव कुछ और थे, और अब आपके चेहरे के कुछ भाव और है। थोड़ी देर के लिए आपको लगता तो हाँ बात तो सही है, लेकिन बोले यार सब चलता है, क्या हो जाता है, सब चलता है, लेकिन जेहन में रखो कोई ना कोई निर्देश देता चला जाता है। भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, भारत यानी सूर्योदय की संस्कृति मानी जाती है। किसकी संस्कृति मानी जाती है, इसलिए अपने संस्कृति में जीवन जीविका के साधन सब हैं, जवान भी है, विज्ञान भी है, किसान भी है, संविधान भी है, सब कुछ है, अलग ही रूप है, सबको समेटा गया है, किसी को नकारा नहीं गया है, शब्दों के भेद में उलझते नहीं है। संविधान के अगर पुस्तकों को भी देखोगे तो कोई भी धर्मावलंबियों को छोड़ा नहीं गया है, सबके कोई ना कोई प्रतीकात्मक चिन्ह और चित्र उसमें भी स्वीकार किए गए हैं। कितने सारे लोग थे, और जब तक ये बहुमान और सम्मान बना रहता है तब तक अपना एकता बनी रहती है, सौहार्द बना रहता है, परस्पर में सहभागिता बनी रहती है। और अहंकार में अपने आप को ही अच्छा कह ले, दूसरे को नकार दें तो कई बातें बिगड़ने लग जाती है। इसलिए जिंदगी के बारे में सोचो, देश के बारे में तो सोच ही रहे हो, लेकिन सोचने के पहले समझ लो उसे कि दिल भी दे रहे हो, जान भी दे रहे हो, किसके लिए, वतन के लिए, बोले नहीं अभी केवल वेतन के लिए दे रहे हैं, वतन के लिए कोई नहीं दे रहा, किसके लिए, वेतन के लिए। हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं बल्कि स्वच्छंद हो गए हैं। स्वतंत्र कहां हुए, आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है मालूम नहीं, आज गणतंत्र है ना, अच्छा अच्छा
हाँ नहीं तो बोल दो, आपका क्या भरोसा, पूछ बैठे भैया 15 अगस्त कब आता, बोले 26 जनवरी को आता, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ पता थोड़ी ना पड़ेगा आपको, कुछ भी पता नहीं चलने वाला कि स्वतंत्रता दिवस कब है और गणतंत्र दिवस कब है। 3 झंडे लगे हुए हैं, 3 रंग है तो किसके प्रतीक हैं, बोले केसरिया भी लगाओ, देखो ना गुब्बारे बना दिए, केसरिया भी, हरा भी और सफेद भी, कितना ड्रेस तो सबके पास है, मैं तो एड्रेस बता रहा हूँ कि हकीकत कहाँ जाना है, ड्रेस से क्या हो है? तो गनीमत समझो, तिरंगा झंडा वाला नहीं बनाया ड्रेस, नहीं तो पल्लू यहाँ रहता और पसीना आता तो मुँह से मुँह पोछ डाल क्या, ये सब संसार है, बड़ी स्थिति गंभीर है, सोचोगे तो आपको लगेगा। बनाए हुए हैं पूरे के पूरे, ध्वज भी है, 24 तीर्थंकर भी है, सारी चीज़ें अनुकूल है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, 10 बज रहे हैं, बज चुके हैं, रोज अपना लंबा समय चल ही रहा है, लेकिन जो जज्बा आपके भीतर है देश के प्रति, धर्म के प्रति, वो बना रहे। अपने ही देश का कोई भी जीव मिटने को तैयार है, उजड़ने को तैयार है, तो हमारा कर्तव्य उनके लिए भी बहुत कुछ हो जाता है। तो जीवन इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाए। आज बड़े आनंद के साथ आए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने अपने कार्यक्रम भी कर रहे हैं, सवेरे से उत्साह बना हुआ रहता है और सबका बना हुआ है, क्योंकि अपने धर्म और देश के प्रति ही उत्साह का होना उसके प्रति जीवंतता का प्रतीक है। धर्म के प्रति और देश के प्रति उत्साह बने रहे, वही हमारी जीवंतता का प्रतीक है। देश और धर्म के प्रति अगर उत्साह मर गया तो समझ लेना आप जवान होकर के भी बूढ़े हो गए हो, किसी कुछ काम करने के लायक भी नहीं रहे हो, सोच करके रखना। आया हूँ, बड़े अच्छे राकेश कुमार जी भी आ गए, चित्र बना करके लाए हैं, संपन्नता के साथ श्रद्धा भी है, श्रद्धा के साथ सेवा भी है, सेवा के साथ बोले जिंदगी का उपयोग भी करना, वो तो मैं भूल गया, ये खुद ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष भी करते हैं, संगीतक भी हैं, बजाने के लिए भी, सब शौक है इनका, शौक है। देखो तस्वीर बनाओ, दर्शन क्या होगा, ये फोटो अभी दिखाया, यहीं पे मोबाइल से खींचाओ और देखो वही बना के ले आए, पेंटिंग भगवानों के तस्वीर, अपने हाथ से कलाकारी करते रहते हैं, लेकिन समर्पण भाव इनका है, मौके पर बिल्कुल आते और जाते रहते हैं, और कई कार्य अपने मन से भी करते रहते हैं, बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद के पात्र हैं। आज रमेश जी भी अभी आ गए, यहीं मंच पे खड़े थे, बोले महाराज आज हमारा बर्थडे है, नीचे अभिषेक में भी आशीर्वाद लिया, मैंने कहा बहुत अच्छा आशीर्वाद, बोले महाराज धर्म के लिए तो सदैव करते रहते हैं, लेकिन आज मेरे मन में नीचे मंदिर आने के बाद ऊपर आया है कि जो आप जीवन आशा हॉस्पिटल बना रहे हैं, एक बार आप मुझे भी वहाँ का सदस्य बना दो। आज रमेश कुमार जी जैन कहाँ बैठे हैं, चले गए, अपने आप ही आकर के बोले अभी अभी, चलो अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है, धर्म के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, जाति के लिए भी, कहीं ना कहीं भाव उठते हैं और उठ करके अपने आप ही प्रकट हो जाता। अभी अभी बोल के गए थे, जब खड़े थे तब, नीचे तो अभिषेक कराए थे तो नीचे तो दीक्षा की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ सेवा और शिक्षा की बात में सामने आ गए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें करने लग गए हैं। तो आइए हम सभी लोग यही सोचे, प्रभु हमारी स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली है, लाखों लोगों की आहुति दे करके मिली है, किसका कौन सा योगदान है हमें पता नहीं, लेकिन जिनका जैसा भी योगदान है उनका हमारे दृष्टि में सम्मान है, बहुमान है, आओ मिलकर सम्मान करें उनका, जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है, कितने खुश नसीब हैं वे लोग जिनका लहू वतन के काम आया है, जिनका खून इस देश के काम में आया है। आज बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन उधर देख करके दूसरे दूसरे विचार आने लग गए और सारा का सारा बदल जाता है। तो देश की चीज़ें तो आप सभी लोगों को क्या, आपका जीवन मंगलमय हो,
धर्म में हो, श्रद्धा में हो, इसी पुनीत भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जय जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दित हो धोक हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे और सभी महान आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।